हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे, अंकिता भी अच्छी है, हम सब अच्छे हैं। यू तो हम अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, ईश्वर को धन्यवाद। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रंची क्रंची प्याज के समोसे। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उसे देखिए, और उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंकिता ने जाते जाते बोला है, 2 दिन पहले बोला था कि मुझे समोसे खाने हैं प्याज वाले, तो उस समय मैंने कुछ नहीं सोचा। लेकिन अभी मैं सोची थी मैं अब क्या नेक्स्ट बनाऊं, फिर मुझे याद आया कि हम लोगों ने जब सबसे पहले प्याज के समोसे खाए थे तो अंकिता की दादी ने हमें खिलाए थे। तो हम लोग ने जब वो खाए तो हम दोनों माँ बेटी इतने खुश हुए क्योंकि वो बहुत यम्मी थे, क्रंची क्रंची, और वो जो प्याज की स्मेल आती है, आहा, इट वॉज सो गुड। बट और पानी गिर रहा था, पानी गिरने में वो तले हुए समोसे और गरम गरम चाय, वाह वाह वाह। हम लोगों ने वो खाए और वो हमारे दोनों के दिल और दिमाग पे टिंग से रह गया, हम जब तक जिंदा है वो याद रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने फिर खाने चाहे तो हमें वो नहीं मिले, क्योंकि वो समोसे सिर्फ क्या रमजान के दिनों में बनते हैं, वो रोजा तोड़ने के लिए, क्या बोलते हैं उसके लिए। तो फिर हम लोग नहीं बना पाए, फिर हम आ गए यहाँ। जब हम यहाँ आए तो अंकिता एक दिन कल परसों याद कर रही थी कि वो प्याज के समोसे खाने हैं। मैंने उससे कुछ नहीं बोला, मैं ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करने में आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं ना, आप लोग आइए, हम लोग ट्राई करते हैं। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बनिया तो डिजास्टर, नहीं तो खाएंगे फास्टर, राइट? यस, क्या? अगर नहीं बना सही तो डिजास्टर, और अगर अच्छा बन गया तो खाएंगे फास्टर। तो आइए चलते हैं किचन में प्याज के समोसे बनाने। हाँ जी, तो अब हम तैयार आटा गूंथने जा रहे हैं टू मेक द क्या कवर बोलते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं, गूंथने जा रहे हैं आटा फॉर मेकिंग द कवर फॉर द समोसा। सो ये है आटा, और उतना ही हम लेंगे मैदा। ये है मैदा, ये है नमक, ये है ऑयल, कमोइन, हल्का, ज्यादा भी नहीं डालना है, उसको हम पोंछ लेते हैं ताकि वेस्ट ना हो, वो छूट भी जाएगा। और अब हम इसको, और ये हमारे पास है, ये भी मैदा है, ये भी मैदा है, ये है सूखा आटे के लिए जैसे यूज करने के लिए, और इसका हम कुछ बनाएंगे जो अभी मैं आपको थोड़ी देर से शो करूंगी तो आप देख लेंगे। और अब मैं इसको गूंथती हूँ, पहले मिक्स कर लूँ ऑयल को, मेरे को तेल कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। अब इसमें डालेंगे पानी, बस इसको ढक के रख देती हूँ। थोड़े से मैं इसमें और मुक्के मार रही हूँ, इसको गूथ रही हूँ। ये हमारी कट गई हरी मिर्ची,
जो हम इस बोल में वापस डाल देंगे। नाउ टाइम फॉर प्याज। प्याज को भी हम इसमें डालेंगे। तो हमने प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची चॉप करी है। चॉपर में मैं काट सकती थी प्याज को, लेकिन फिर चॉपर में पानी छूट जाता है तो मुझे वो नहीं करना था, इसलिए मैंने हाथ से ही प्याज काटी। और अब हम, मैं बताती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। आंसू आ गए मेरे को। अब हम बनाएंगे समोसे की फिलिंग। तो इसमें हम फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची और नमक, जीरा, ये है चाट मसाला और थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्च भी है। और हम इसको ना ब्राउन नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा पानी को जलाना है, तो थोड़ा सा तेल डालेंगे क्योंकि तलेंगे तो ऑलरेडी तेल हो ही जाना है। ये हमारी है करीब 2 प्याज और हल्दी, इसमें मिर्ची भी चली गई, नमक कोई नहीं। मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक अब आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, एज वी नो कि हम लोग को किसी को कम किसी को ज्यादा लगता है। तो ये हो रहा है। अच्छा बने। मैं इसमें जीरा भी डाल देती हूँ ताकि वो अंदर तक हो जाए। और ये चाट मसाला और ये मिर्च। अच्छी कुछ बड़ी अच्छी बहुत अच्छी आ रही। हमें इसे तलना नहीं है या ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा पानी निकल जाए इसका और मसाला मिक्स हो जाए। और हम ये डाल देते हैं हरा धनिया। से जितना अच्छा निकलता है चम्मच वम्मच से नहीं होता है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस हमको इसको निकाल देना है ताकि अब ये ठंडा हो और हम इसको। तो ये हमारी फीलिंग तैयार है, देखिए। हाँ, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चम्मच तू कहाँ जा रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी जब तक ठंडा हो तब तक हम अपना अगला काम करते हैं। ये हमारा आटा जो रेडी हो चुका है, अब इसको हम बेलेंगे।
मुझे ये नीचे रखना पड़ा क्योंकि मुझे बड़ी जगह चाहिए थी, मेरे पास छोटा पतला है तो मैंने इसको बेल लिया। अब इसको हम काटेंगे साइड से। टू मेक द रिबन फॉर द, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट्स गुड वन। जब तवा गर्म करने के लिए रख देती हूँ, ये छोटा है, कोई बात नहीं, बन तो गया, इट्स ओके। हाउ आई एम गोना डील विद दिस, बिकॉज मेरे पास गर्म एकदम धधकता हुआ नहीं है, पर काम तो हो जाएगा। अच्छा हुआ मैंने भूल लिया तुरंत। जादू भरी आँखों वाली सुना, ये परफेक्ट 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 परफेक्ट। तुम जाओ इधर, तुम इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ, तब तक मैं ये मैदे में पानी मिला के इसको चिपकाने के लिए। सो अब इसको इधर निकालो और ऊपर से निकालो ये एक पार्ट। ये निकल गया है, मैं इसको काट रही हूँ। तो इस तरह से हमारी ये रिबन या पट्टी जो भी आप बोले हम बनाएंगे बन गए हैं। और अब हम बनाएंगे समोसे शेप में। इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि गर्म बहुत है, बहुत गर्म है, बहुत कठिन है। डगर पन घट की झटपट बस भर लाओ जमुना से वट की, ये दूर 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 से हरा ना करो। जो हमने फीलिंग तैयार की थी वो ठंडी हो चुकी है, खुशबू तो बड़ी मस्त आ रही है। और अब मैं इसको डालती हूँ, अब मैं इसके बनाती हूँ शेप। तो देखिए मैं कैसा ट्रायंगल बनाती हूँ। सब फोल्ड करेंगे, ये बंद करेंगे और यहाँ से इस सामने से इसको फिल करेंगे। ये हमने फिल किया और फिर इधर से हम, तुम अंदर जाओ, इधर से हम इसको लाए और फिर यहाँ पे लगाया। ये फीलिंग जो मैंने बनाई है और इसको ऐसे चिपका दिया। मेरी इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है बट बन तो रहा है, कुछ तो बन रहा है।
तो आइए हम जाते हैं अपने अकाउंट पे, क्या होता है। ये मैंने टेस्ट के लिए डाला था, पानी तेल गरम हुआ कि नहीं, उसको देखते हैं क्या है। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो, यूं ही फिसल गया। देख तो अच्छा रहे हो, अब मेरी इज्जत रख ले रे, मेरी इज्जत रख लो। कहिए क्या ख्याल है आपका, आपको खाना है। कभी कुछ समोसे तैयार है और अब हम इसे खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे और अंकु आएगी तो बताएगी कि कैसा बना। अभी अंकिता आ रही है, अंकिता को पता नहीं मैंने समोसे बना के रखे, तो अभी मैं उसका रिएक्शन देखूंगी बिकॉज उसको पसंद है पर मुझे नहीं मालूम कि वो शी विल गोइंग टू लव इट, थकी हुई होगी, हाउ शी गोना रिएक्ट। सब मैं उसको क्लिक करूंगी, उसकी वीडियो बनाऊंगी। वीडियो हेलो बोलो, गुड रिएक्शन दिख रहा है। हैंड वॉश करके खाइयो। ओके। तूने मेरे को बताया कि नहीं तू आ रही है? मैं जल्दी जल्दी में निकल गई खुशी में।